बहुत चर्चित विषय पर जो कि है द हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस द अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमरीकी कंपनी है जिसने द अडानी ग्रुप पर एक बहुत बड़े एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने 106 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है जिसका टाइटल है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कि विश्व का कैसे एक अमीर आदमी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा आरोप हिंडनबर्ग कंपनी अडानी ग्रुप पर लगा रही है। कौन है ये हिंडनबर्ग कंपनी और क्या है इसका काम, आइए जानते हैं। द हिंडनबर्ग कंपनी साल 2017 को नेथन नील एंडरसन नामक व्यक्ति के द्वारा शुरू करी गई थी। नेथन नील एंडरसन पेशे से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। हिंडनबर्ग नाम उन्होंने 1935 में हुए एक हादसे से लिया था। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसे हादसे होते रहते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां आम लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। हिंडनबर्ग का काम इन फ्रॉड्स को लोगों के सामने लेकर आना है और उनको इन फ्रॉड से बचाना है। हिंडनबर्ग कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च करती है, उनके फ्रॉड्स को लोगों के सामने लेकर आती है और फिर उन स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग करती है। क्या है ये शॉर्ट सेलिंग, आइए जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग निवेश बाजार में एक टर्म यूज करी जाती है जिसका मतलब है कि गिरावट में जा रही कंपनियों के स्टॉक्स खरीदकर मुनाफा कमाना। हिंडनबर्ग कंपनी यही काम करती है। हिंडनबर्ग कंपनी के अनुसार अडानी ग्रुप ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करे हैं। उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं स्टॉक मैनिपुलेशन के, अकाउंट मैनिपुलेशन के, ऑफशोर शेल कंपनीज के, टैक्स थेफ्ट के और ऐसे बहुत ही सारे और उन्होंने आरोप द अडानी ग्रुप पर लगाए हैं। इस रिपोर्ट के आते ही द अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट का खंडन करा था। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट सरासर पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है और इसका एक ही मंतव है द अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करना। साथ ही में उनके लीगल हेड ने द हिंडनबर्ग को चैलेंज करा है। उन्होंने बोला है कि हमारी रेपुटेशन पर आप धब्बा लगाने के लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हो, आपको इसके लिए एक लीगल केस का सामना करना पड़ेगा। इसका जवाब, इसका रिस्पांस द हिंडनबर्ग ने बहुत ही रोचक तरीके से दिया। उनका कहना है कि हम अपने क्लेम्स को प्रूफ करने के लिए किसी भी लीगल एक्शन के लिए तैयार हैं। बता दें कि इस 106 पन्ने की रिपोर्ट में उन्होंने द अडानी ग्रुप से 88 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिनका जवाब देने के लिए उन्होंने द अडानी ग्रुप को बोला है। बात करें अडानी ग्रुप की तो विश्व के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून गौतम अडानी इसके चेयरपर्सन हैं। द अडानी ग्रुप पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देख रहा है। पहले द अडानी ग्रुप केवल गुजरात तक सीमित था, लेकिन कुछ सालों में इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई कि इसके चेयरपर्सन गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गए। उस समय उनकी नेटवर्थ टोटल $120 बिलियन थी, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट लोगों के सामने आई तो उनके शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। उनकी नेटवर्थ दिन ब दिन घटती जा रही है। द अडानी ग्रुप 7 स्टॉक लिस्टेड कंपनीज में डील करता है, जैसे कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्बर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये एक पॉलिटिकली एक्टिवेटेड रिपोर्ट है जिसका एक ही मंतव है द अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करना। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हिंडनबर्ग इतने बड़े बिजनेस टाइकून पर इतने बड़े एलिगेशंस कैसे लगा रही है। 2017 से जब से इस कंपनी की स्थापना हुई है हिंडनबर्ग ने 30 ऐसी बड़ी कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं और एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है उसके कुछ ही दिनों में फ्रॉड कर रही कंपनियों के स्टॉक्स गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में निकाली थी निकोला कंपनी के खिलाफ। गौरतलब बात यह है जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है तो निकोला के फाउंडर अपने चेयरपर्सन की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और उसके स्टॉक्स लगातार गिरते जाते हैं निवेश बाजार में। इस सब के चलते आम आदमी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि गौतम अडानी जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी अगर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज में अडानी जैसे और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डील करती हैं, तो केवल अडानी के
स्टॉक्स नीचे जाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही में हम जैसे जो आम इंसान हैं जिन्होंने SBI और LIC जैसी कंपनियों में निवेश कर रखा है FD या पॉलिसी के रूप में, उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा गौतम अडानी के शेयर्स नीचे जाने पर या नहीं? एक्सपर्ट्स की माने तो SBI और LIC ने जो लोन्स द अडानी ग्रुप को दे रखे हैं वो उनके टोटल लोन्स में से 1% भी नहीं है, तो इसका कुछ खास असर LIC या SBI पर देखने को नहीं मिलेगा। देखना ये होगा कि क्या हिंडेंसबर्ग की ये रिपोर्ट सच है या नहीं और कब रुकेगी द गौतम अडानी के स्टॉक्स की गिरावट। आप बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।